अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केल प्राइस प्रिडिक्शन 2021 की या एसकेएल प्राइस प्रिडिक्शन 2021 की। तो इसको हम एसकेएल नेटवर्क प्राइस प्रिडिक्शन टू अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसकेएल प्राइस प्रिडिक्शन 2021 के बारे में या स्केल नेटवर्क प्राइस प्रिडिक्शन 2021 के बारे में, और इसको हम स्केल नेटवर्क प्राइस प्रिडिक्शन 2021 भी हम कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ये स्केल नेटवर्क कॉइन के ऊपर कुछ वीडियो जो है ना वो अपनी बनाएं। तो ये जाद शाह साहब हैं, बहुत ही प्यारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो इनकी ये रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये एनालाइज करने लगा हूँ और ये आपको बताने लगा हूँ कि ये स्केल नेटवर्क प्राइस प्रिडिक्शन 2021 अभी हमें क्या कहती है। तो चलिए वापस आते हैं इधर हम अपने मेन चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर मज़ीद आगे जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हम जानते हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं किसी भी क्रिप्टो कॉइन की उस कीमत के बारे में या उसकी ट्रेंडिंग के बारे में या उसके फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। तो वो बेसिक चीज़ें जो हैं अभी हम उसको देखेंगे और फिर हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी स्केल नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन क्या होगी। अब ये देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर हमें जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि इसका जो रैंक चल रहा है वो नंबर 124 है, यानी ये जो स्केल नेटवर्क है ये अपने कैपिटल इन्वेस्टेड मार्केट में कॉइन मार्केट कैप के लिहाज से इस वक्त 124वें नंबर पे चल रहा है। और बेसिकली ये टोकन है, यानी क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ दो ही चीज़ें अवेलेबल होती हैं, एक टोकन होता है और एक इसका कॉइन होता है। तो ये एक बेसिकली ये टोकन है और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 0.3647 सेंट चल रही है, ठीक है, यानी आप इसे नॉर्मल तौर पे 36 सेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर इतनी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और इसकी मैक्सिमम सप्लाई आपके सामने और इसका ये मार्केट कैपिटल है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है कि जब कोई भी चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है, चाहे वो टोकन हो या चाहे कॉइन हो, और उसकी जो रैंकिंग होती है वो मार्केट कैपिटल और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करती है कि उसकी वो कितनी है, और उसके बाद उसकी एक प्राइस जो है वो मुतय्यन होती है। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो तकरीबन को 9 अरब के करीब है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, यानी 9 बिलियन है तो ये बहुत ज़्यादा कम है। तो एक मिनट आ जाए, नहीं सॉरी, ये 95 करोड़ इसकी अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी 1 अरब के करीब है, 95 करोड़ इसकी जो है वो इस वक्त इसकी है सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो इसकी जो टोटल सप्लाई आप देख लें और इसकी मैक्सिमम सप्लाई आप देख लें, तो इसका मतलब ये है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम है, इसकी टोटल सप्लाई भी कम है और इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ वर्थ रखेगा आने वाले वक्त में। तो हम मज़ीद इसका नीचे से एक और चीज़ जो इसका ऑल टाइम एक ग्राफ होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखें, जब ये लॉन्च हुआ और ये दिसंबर 2020 में लॉन्च हुआ, यानी पिछले साल दिसंबर में, और ये 7 सेंट पर ये लॉन्च हुआ था। जब हम कोई भी स्केल प्राइस प्रेडिक्शन 2021 करें या स्केल प्राइस एनालिसिस करने की कोशिश करें, स्केल प्राइस एनालिसिस, तो हमें ये चीज़ें देखना होती हैं कि हम कहाँ से चल रहे हैं और कहाँ पर आ रहे हैं। 7 सेंट से ये शुरू हुआ और बड़ी देर तक ये 7-8 सेंट पर आ, और उसके बाद इसने एक हाई लगाया है 32 सेंट का, और उसके बाद ये फिर दोबारा वापस आया है 20 सेंट के करीब। तो इसके बाद इसने फिर एक अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया जो कि इस वक्त और इसके लिहाज से बनता है $1.12 अभी ऑल टाइम हाई के लिहाज से, यानी $1 का इसने एक हाई लगा दिया 7 सेंट से शुरू होकर और जस्ट 6 या 7 महीनों में। इसका मतलब यह है कि 7 सेंट पर अगर किसी ने $1,000 अगर इन्वेस्ट किया था, तो इसका मतलब यह है कि वो इस वक्त 10 गुना नहीं बल्कि कोई 15 गुना उसको वापस मिला है। तो आप खुद ही लगा लें कि तक $15,000 वो तकरीबन 6-7 माह में वो अर्न कर चुका है। अभी बेसिकली ये
कॉइन जो है ये नीचे आ रहा है, इसका जो हम अभी ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और वहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि स्केल नेटवर्क प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हमें क्या कहती है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें एक क्लियर करनी पड़ेंगी स्केल प्राइस प्रिडिक्शन में। देखें अभी हम इसको मुख्तसर और कवर अप करने की कोशिश करते हैं जल्दी। ये लाइंस जो हैं ये मेरा एक सपोर्ट जोन्स हैं, जब मार्केट ऊपर जाती है ये मेरे सपोर्ट जोन्स थे जो मैंने अभी डिक्लेयर किए अपने लिहाज से, और जब ये मार्केट नीचे आती गई है तो जब ये मुझे ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड वाला पॉइंट मिला है तो उस वक्त जो है स्केल नेटवर्क प्राइस प्रिडिक्शन करने के लिए मुझे ये दूसरा पॉइंट मिल गया और मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी, और जो कि अभी तक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म से वो काम कर रही है। और मुझे ये फर्स्ट पॉइंट और टू पॉइंट जब ये मुझे मिले थे तो मैंने इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई थी और जो अभी तक ड्रा ही है, तो इसने अपना काम जो है ना बड़ी बखूबी किया हुआ है, वो हम अभी देखते हैं अभी चंद सेकंड बाद के वो कैसे है। अभी जो हम टेक्निकली तौर पर मार्केट को देखें तो इसने अपना एक बुलिश पैटर्न जो है वो बनाया हुआ था और उसके मुताबिक ही ये काम करती चली जा रही थी, हायर हाई लोअर हाई के हिसाब से। और यहाँ पर भी इसने एक लोअर हाई लगाया, लेकिन अब क्या करना क्या था, अगर तो ये हायर हाई लगाता तो इसका मतलब यह कि इसका ऊपर जाने का इरादा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने एक लोअर हाई लगाया और उसके बाद इसने एक लोअर हाई लगा दिया, यानी लोअर हाई के बाद मजीद एक लोअर हाई लगा दिया। इसका मतलब यह है कि इसने एक हायर हाई नहीं लगाया तो ना ही एक हाई लगाया है, तो अब ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। और ऐसा ही हुआ, इसने एक लोअर लो लगा दिया, और लोअर लो लगाया भी इसने अपना ये जो है सपोर्ट के ऊपर था। तो अभी क्या है, अभी फिर इसने ट्रेंड लाइन को बड़ी बखूबी तौर पे प्ले किया, फिर इसने एक लोअर हाई लोअर लो, और यहाँ पर इसने एक लोअर हाई ही लगाया है। लेकिन यहाँ पर देखें कि कैंडल्स जो हैं वो उन्होंने ब्रेकआउट किया इस ट्रेंड लाइन को, लेकिन हम इसे फेक आउट कंसिडर करेंगे क्योंकि ऊपर जाने के बाद इसने बायर्स को फंसाया इधर, और उसके बाद फिर दोबारा ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी दोबारा यहाँ पर आने वाली है। अब देखें यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी है, ये रिलाई कर रही है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी रिलाई कर रहा है। और उसके बाद अब इसने क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद इसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, यहाँ पर जाएगा और उसके बाद जो है रिटेस्ट करेगा, और इसके बाद इसने ऊपर की तरफ निकल जाना है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसने आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को मनवाना है। तो एसकेएल टोकन प्राइस प्रिडिक्शन के लिहाज से जो है मेरा मानना यह है कि अभी ये बाय में जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप इसके बायर हैं तो थोड़ा सा वेट करें क्योंकि अभी इसने एक डायगोनल बनाना है, या तो ये यहाँ पर आकर ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है, इस तरह करके, तो या ये अभी यहाँ पर रेंज करना शुरू कर दे थोड़ा सा, तो या ये मुझे ये यूज़ करना था, या ये यहाँ पर ऐसे ऐसे रेंज करना शुरू कर दे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ ऐसे जो है वो निकल जाए। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता हम इसके बायर बिल्कुल भी नहीं बन सकते, और मुझे उम्मीद है कि इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देना है। अब H4 में हम इसको अगर देखें तो H4 में हमें एक स्टोरी समझ आती है, H4 में हमें ये स्टोरी समझ आती है कि देखें ये बाय के कैंडल्स बनी हुई हैं, और सॉरी ये बाय की कैंडल्स बनी हुई हैं, ये भी नहीं सही लगा, ये बाय की कैंडल्स बनी हुई हैं और इसके अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है और ऑन द हाई कैंडल्स ये क्लोज हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी इसने बुल रन करना शुरू कर देना है। ये देखें ये भी बाय की कैंडल्स हैं, ये देखें ऑन द हाई क्लोज हुई हैं, एज कम्पेयर टू प्रीवियस बार ये बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है, और एज कम्पेयर टू प्रीवियस बार ये बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है, यहाँ पर भी लग रहा है, ये H4 की बात मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा था बाय का, तो इसने अपना काम ऑलमोस्ट कर दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ सेलिंग भी हुई थी, सॉरी ये इसको मैं ज़रा वापस करूँगा, यहाँ पर इसके अंदर कुछ सेलिंग हुई थी और ये इसी सेलिंग का नतीजा था, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई, सेलिंग हुई, और सेलिंग का नतीजा कि मार्केट अभी इधर फिर रही है। तो मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से कि मार्केट जो है अभी दोबारा एक डायगोनल बनाएगी इधर से, ठीक है, उसके बाद इसने ऊपर की तरफ उठ जाना है। अगर आप अग्रेसिव बायर हैं तो मेरा मानना यह है कि आप थोड़ा सा वेट करें, तो वैसे तो एक बाइंग एरिया ये भी बनता है, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह है
कि ये वाला एरिया आपके लिए बेस्ट बाइंग का एरिया रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करना चाहते हैं। स्केल नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन 2021 या स्केल कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 मैं आपके साथ अभी कर रहा था। तो अभी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अभी बाय है, लेकिन बाय का एरिया अभी यहाँ पर बनेगा और इसके बाद इसमें ऊपर की तरफ उठना है। तो अभी के लिए स्केल क्रिप्टो प्राइस प्रेडिक्शन यही थी, और मजीद अगर कोई स्केल प्राइस प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से आती है या स्केल नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन 2021 अगर कुछ और अपडेट मिलती है मुझे तो मैं लाजम आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।